हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जो झारखंड T20 की जो कि मैच होगा ऐसे बोकारो ब्लास्टर्स वर्सेस सिंहभूम स्ट्राइकर के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगे। इसके साथ साथ ECS T10 कल से शुरू हो जाएगा, उसके मैचेस के वीडियो मिल जाएंगे, बुखाती T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, यहाँ से एमिरेट्स D20 के वीडियोज मिल जाएंगे, और साथ ही में बुखाती T10 जो कि 3 तारीख से शुरू होगा उसके भी मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1 बजे JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस है, लेकिन ऐसे बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हुए टीम बनाएंगे, तो ज्यादातर हमें बॉलर्स के ऊपर फोकस करना है। बाकी एवरेज स्कोर की बात करते हैं 130 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करते अभी तक 20 मैचेस खेली गई, जहां पर 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, 13 बार ऐसे चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, और ऐसे 2 बार मैच टाई रही। तो यहां पर सुपर ओवर जैसी कोई सुविधा है नहीं, तो ऐसे जो मैच टाई होती है उसको ये लोग टाई ही रखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टीम बोकारो की। अभी देखो ये बोकारो और ऐसे सिन, ये दोनों ही जो टीम है वो अपनी अपनी मैच यहां से रांची के सामने जीत के आ रही, दोनों ही पिछली मैच रांची के सामने खेली और दोनों ही यहां से रांची के सामने जीत के आ रही है। सॉरी, यहां से बोकारो तो धनबाद के सामने जीती थी, लेकिन सिन रांची के सामने जीती। इससे पहले बोकारो ने सेकंड लास्ट मैच यहाँ से रांची के सामने जीती थी। तो रांची इस टूर्नामेंट की मजबूत टीम है, शुरुआत की 5वीं मैच जीती थी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ से उनको हारा के आ रहे, तो दोनों का ही कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई है। बोकारो की बात करें तो 7 मैच के खेली जा सकते, 5 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच हार के आ रही है। ओपनिंग की बात की जाए तो सत्य सेतु और विशाल सिंह ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किया। सत्य सेतु कभी कभी 1 डाउन भी खेल लेते हैं, लेकिन अभी के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही बैटिंग से जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है अभी तक का, और साथ ही में विशाल सिंह तो ओवर्स वगैरह भी करवा लेते, तो ऐसे दोनों ही प्लेयर आपके लिए एक अच्छी पिक बनने वाले हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए। विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके लिए बानू आनंद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, 36 रन 21 27 ऐसे स्कोर किए हुए, तो ऐसे भानु आनंद को लेके जा सकते हो। बाकी आदित्य सिंह की बात करूँ तो बैटिंग से इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन कभी कभी ओवर्स डाल के ऐसे विकेट वगैरह चटका लेते हैं, जहाँ पहले मैच में देखा होगा आपने 25 रन के साथ में 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट निकाली, अभी लास्ट मैच के अंदर भी 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट निकाली थी, लेकिन इनकन्सिस्टेंस है, तो इनको आपको ट्राई करना हो तो थोड़ा सा डिफरेंशियल वे में करना पड़ेगा, स्मॉल लीग के लिए बहुत ही रिस्की रह सकते हैं आपके लिए। बात करते हैं ऐसे सचिन तिवारी की, तो ये भी थोड़े से इनकन्सिस्टेंट प्लेयर्स हैं, और इनके देखो इनका टॉप ऑर्डर जो है यहाँ से मजबूत है, तो आई थिंक शायद ही इनको यहाँ से बैटिंग आ सकती है। तो सचिन तिवारी की बात करो तो इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बाकी यहाँ से बात करते हैं प्रतीक भगत की, तो प्रतीक भगत को लेने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है, तो ये भी सारे बैटिंग ऑर्डर सारे इनके नीचे है, तो इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, और टॉप ऑर्डर इनका काफ़ी अच्छा है। बाकी विकास सिंह की बात करो तो 4 ओवर्स पूरी करवाते हैं, हालांकि शुरुआत की मैचेस के अंदर ऐसे 3-4 विकेट भी निकाल लेते थे, लेकिन अभी इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है, तो इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो इनके बारे में थोड़ा सा लास्ट में चर्चा करते हैं। बाकी आर्यमन लाला को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता स्मॉल लीग में, इनको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग के लिए बहुत ही रिस्की रहेंगे। बाकी बॉलर्स की बात की जाए तो ऐसे पंकज यादव को आप ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर, यहाँ से अर्पित यादव बॉलर्स काफ़ी अच्छे, लेकिन पिछली दोनों ही मैच के अंदर विकेट्स नहीं मिले उनको, तो देख लेते हैं अगर वो अच्छी चॉइस ना मिले अर्पित यादव, आई थिंक शायद आपको उनको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी और ऐसे मिडल ओवर्स वगैरह में गेंदबाजी भी करते हैं, इवन विकेट मिले ना मिले लेकिन गेंदबाजी काफी अच्छी रहती है इनकी। तो मुझे अगर पंकज यादव या अर्पित यादव दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेने का हुआ तो मैं यहां से अर्पित यादव को लेके जा सकता हूं। सौरभ शेखर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इस प्लेयर को तो आप छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि ये भाई साहब थोड़े से अलग लेवल के बॉलर्स हैं, हर एक मैच के अंदर विकेट्स वगैरह चटका लेते हैं। स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो ऐसे विकास सिंह के साथ एस शेखर रहेंगे, स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स में ऐसे एस शेखर और विकास सिंह दोनों डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे। बेंच की बात करें तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। अभी के लिए देख लेते हैं हम लोग ऐसे सिंहभूम स्ट्राइकर्स
की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 7 मैच खेली, 4 जीत के आ रही है, 3 हार के आ रही है। जयप्रकाश राजपूत और यहाँ से आर्यमान सेन दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। अभी देखो आर्यमान सेन तो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए, शुरुआत के मैचेस के अंदर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन पिछले कुछ मैचेस के अंदर इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। और यहाँ से डिफरेंशियल वे में ग्रांड लीग वगैरह में विकेट कीपिंग सेक्शन से आप यहाँ से जयप्रकाश यादव को ट्राई कर सकते हो। क्यों, इनके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करते हैं। बाकी हिमांशु की आर की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, एक एज अ प्लेयर आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ से हैशटैग जो किया हुआ, इससे पहले जो खेले थे मैच सेकंड लास्ट मैच, वो काफ़ी नीचे खेले थे वो, यानी कि उनकी बैटिंग ही नहीं आई थी, इसके लिए मैंने यहाँ से लास्ट मैच में हम लोग उनको लेके नहीं गए थे, जहाँ पर उन्होंने 1 डाउन आ गया एक बार फिर से। तो इनका बैटिंग ऑर्डर जो है कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। मोहित कुमार पिछले 2 मैच के अंदर ज़्यादातर वॉश नहीं करवा रहे, सेकंड लास्ट मैच की बात करो तो एक भी वॉश नहीं की, और लास्ट मैच के अंदर सिर्फ एक ही वॉश की गेंदबाजी की। तो अभी सिर्फ एज अ प्लेयर ही लेके जाएंगे, पहले क्या था हम लोग इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकते थे, लेकिन हमारे पास इस मैच के लिए अभी के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। बात करें यहाँ से रवि यादव की, तो बैटिंग से तो इतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन शुरुआत के 2 मैच इसके अंदर विकेट जरूर निकाली थी, हालांकि लास्ट मैच के अंदर भी उन्होंने 2 ओवर्स की गेंदबाजी की, लेकिन विकेट उनको नहीं मिला। बात करते हैं ऐसे हिमांशु गुप्ता की, देखो मैंने इनके बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि थोड़े से इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स है, लेकिन इनको बैटिंग करने का जब भी मौका मिलेगा तब अच्छा स्कोर करेंगे। तो इनको डिफरेंशियल वे में मैंने पिक करने का बोला था, जहां पर उन्होंने 50 रन किए और 1 साइडेड विनिंग जिन्होंने भी यहाँ से इनको ट्राई किया होगा। देखो ये सारे प्लेयर जो होते हैं ना, इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना होता है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता था, लेकिन इनकी बैटिंग नहीं आती, वो मेन बात वही है, क्योंकि अगर यहाँ से टॉप ऑर्डर फेल होता है तो ये सारे प्लेयर्स जो है ना वहाँ से धमाल मचा सकते हैं। तो ऐसे हिमांशु गुप्ता को जरूर आपको डिफरेंशियल वे में ट्राई करें, अभी भी बोल रहा हूँ डिफरेंशियल वे में, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर खेल जाता है तो ये भाई साहब की बैटिंग ही नहीं आएगी, और यहाँ से बैटिंग नहीं आएगी तो फिर इनका परफॉर्मेंस क्या ही हो सकता है। बालकृष्णा की बात करो तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक, और इस मैच के लिए अभी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए बढ़िया पिक बालकृष्णा रहने वाली। मोनू कुमार तो अपना रंग अभी जमा रहा है, जो अपना अनुभव है अभी पिछले कुछ मैचेस के अंदर दिखा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती की मैचेस के अंदर उनको विकेट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि आईपीएल के धुरंधर रह चुके हैं, यानी कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेल चुके हैं, और उनका अनुभव अभी काफ़ी काम आ रहा है, और पिछली 3 मैचेस के अंदर यहाँ से विकेट्स उन्होंने निकाले, इवन बैटिंग से भी यहाँ पर 11 रन 2 बार किए हुए, तो इनको आप एज अ प्लेयर अभी तो लेके जाएंगे। आशीष कुमार को ट्राई कर सकते हो, पिछली सारी मैचेस के अंदर विकेट्स निकालते हुए आ रहे हैं। बाकी आदित्य सिंह थोड़े से ओके ओके पिक रहेंगे, लेकिन सोनू केआर सिंह आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए, क्योंकि वैसा भी जब विकेट निकालते तब 2-3 विकेट एक साथ में निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करो तो यहां से मोनू कुमार और बी कृष्णा स्टार्ट करेंगे, और ये दोनों ही आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बेंच की बात करो तो बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड किए जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे भानु आनंद को मैं लेके जा रहा हूँ, आप अगर चाहे तो ऐसे जयप्रकाश यादव को लेके जयप्रकाश राजपूत को लेके जा सकते हो, हालांकि बहुत ही रिस्की रहेगा, लेकिन यहाँ से बड़ा स्कोर अगर कर देता है, क्योंकि इनके पास भी कैपेसिटी है बड़ा स्कोर करने की, इवन यहाँ से 40-50 रन भी मार के दे सकते हैं आपको, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी सुमित कुमार अगर खेलते तो इनको ट्राई कर सकते हो, पहली मैच के अंदर 86 रन किए थे, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करो तो एशन एस चतु और वी सिंह यानी कि विशाल सिंह, इनको लिया हुआ है, अभी आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। एचकेआर की बात करो तो ये खेलेंगे 1 डाउन, ये थोड़े से नीचे आएंगे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 50 रन की एक बढ़िया पारी खेली उन्होंने एच गुप्ता ने, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में विकास सिंह रहेंगे, ऐसे बालकृष्ण और ऐसे मोहित कुमार हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे एचकेआर सिंह, यहाँ से एच शेखर और ऐसे मैंने मोनू सिंह को किया लिया हुआ है, जो कि काफ़ी रिस्की रह सकते हैं, सिलेक्शन काफ़ी कम है, लेकिन मैं इनके साथ ही जाऊँगा। आप अगर चाहे तो अभी यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐसे ए यादव की जगह पर या फिर मोनू कुमार की जगह पर आप लोग चाहे तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, और इनको जगाने जाना देना चाहो तो इनको जगह दे सकते हो। बाकी अभी के लिए मेरी टीम तो कुछ इस तरह से रह सकती है कि कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे बाला कृष्ण और वाइस कैप्टन यहाँ से विशाल सिंह रहने वाले। आप क्या कर सकते हो, अगर सेफ जाना चाहो तो यहाँ से ज़्यादातर जनता यहाँ से विशाल सिंह को कैप्टन करके आ रही है, तो आप कैप्टन विशाल सिंह को करके यहाँ से बाला कृष्ण को वाइस कैप्टन कर सकते हो। और ऑप्शन की बात करो तो ऐसे एस सेतु या एशन के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का, और बाकी ऑप्शन सारे ठीक ठाक है। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से टीम रह सकती है, लेकिन याद रहे कि डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है। इनके से अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी।
तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।